एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक सुखदेव पांसे जी के नेतृत्व में मुलताई विधानसभा में अतिवृष्टि से फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाने एवं बढ़ते बिल वापस लेने को लेकर, साथ ही मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदों के पोस्टर पर कालिख पोतने वाले अज्ञात लोगों पर कार्रवाई के लिए विरोध में विशाल धरना किया गया। मुलताई नगर में इन दिनों असामाजिक तत्व एवं मवाली तथा गुंडों का आतंक बना हुआ है। इसी तारतम्य 3 दिन पहले महिला नगर पालिका अध्यक्ष तथा कुछ पार्षदों के पोस्टर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा कालिख पोत दी गई थी, किंतु पुलिस द्वारा उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे नगर वासियों में काफी आक्रोश है। नगर की जनता शांति प्रिय, किसी भी प्रकार की नगर में कोई असामाजिक घटना नहीं हुई, फिर भी कुछ अराजक तत्व के लोग, शराब के नशे में मवाली गुंडे टाइप के लोग लगातार नगर की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं एवं सोशल मीडिया में भी उलझुल लिख रहे हैं। नगर में लगातार चोरियों की घटना भी बढ़ रही है। इस कड़ी में नगर के ज्वेलर्स के दुकान की शटर तोड़कर एवं कई घरों के ग्रिल तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही शहर में मोटरसाइकिल और मोबाइल की भी चोरियां बढ़ रही है। चोरों का ये सिलसिला अब मंदिरों तक भी पहुंच चुका है। मंदिरों की दान पेटी तोड़कर चोरी को अंजाम दे रहा है। इस कारण शहर में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज तक चोर पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इस कारण कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा एवं सभी पदाधिकारियों के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र पोस्टर पर कालिख पोतने वाले तथा महिलाओं का अपमान करने वाले गुंडे मवाली और चोरों को पकड़ने की कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो शीघ्र ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। इस प्रकार की मांग क्षेत्रीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे जी का कहना है कि इस विशाल धरने में बैतूल से पधारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत बागादरे जी भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री मुलताई विधायक सुखदेव पांसे जी का पुलिस अधिकारियों को लेकर क्या कहना है। साथ ही तहसील कार्यालय में ज्ञापन देते समय एसडीएम मैडम एवं बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक को लेकर क्या कहना है। पहले का स्टेटमेंट है, एक मिनट, आपसे ज्यादा गुस्सा इनको भी है क्योंकि इनके देखो आप ज्यादा दांव मत दिखाओ। 5-5 दिन दिल्ली में आते हैं हमारे यहां भड़का हुआ साहब, रुक जाओ, 2 मिनट रुको, रुक जाओ, बात कर रहे ना भैया। देखो आप में आप आपके घर का बिजली का बिल यदि 25 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या बीतेगी? आप ये गरीबों पे, गरीबों की जितनी पीड़ा हो रही है या आप जितना ताव बता रहे हैं आपकी गलती के कारण ये भुगत रहे और आप गुस्सा दिखा रहे। इनका गुस्सा आएगा तो यहाँ मुलताई का इतिहास भी आप देख लेना और बिजली ऑफिस का भी इतिहास आप पता लगा लेना। देखिए यहाँ एक मिनट, यहाँ का हमारा किसान बड़ा स्वाभिमानी है, ईमानदार है, भोला भाला है, सीधा साधा है। आपका बिल बिजली का ईमानदारी से चुकाता है, चुकाता है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में आप जाके देखो आपकी राजस्व की बिजली की वसूली कितनी आती है और यहाँ की कितनी आती है। यहाँ ईमानदारी से आपका चुकाता है तो आप बेईमानी से हमारे से लूटना चाहते हैं क्या? बेईमानी से लूटना चाहते हैं और ऊपर से यार गलती है जरा शालीनता से समझे ना। और ताओ ताओ यहाँ ताओ और गुच्छा यहाँ का इतिहास मुलताई का भी आप पता लगा लेना, तुम्हारे बिजली ऑफिस का दुबे का भी इतिहास पता लगा लेना मेरे रहते हुए, मेरी पहली विधायकी में। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ, शालीनता से इतना अत्याचार मत करो हमारे लोगों को। भैया परसों के दिन जो स्टेटमेंट इनके है कि कोई किसी को बिल नहीं भरना है, जो है जैसे है वैसे। लेकिन देखो यादव कुछ बताने जो आवेदन आवेदन कुछ के आएंगे कुछ के नहीं आएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट आउट करके आपको उनके पूरे के पूरे बिजली बिल माफ करना। ये गलती है यार, पहले आपने मुझसे बात की थी, पहले आपने मुझसे बात की थी। अरे 2 मिनट शांत हो रहो भैया, आपने मुझसे बात की थी। जी जी सर, बोले हमने ऊपर लिख के भेजा है, मैंने आपसे बात की पहले ही दिन, बात की जैसे ही मुझे एक रसना ने और क्षेत्रवासियों ने और मैडम क्या तो पहले तो आपने मुझसे बोला था कि हमें ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर आपके पास अप्रूवल आ गया सर? क्या
बिना हम वरिष्ठ अधिकारी से बात किए कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस समय हम दो तीन बार हमने संज्ञान में लाया था, बट हमने रिटर्न में लेके यहाँ से भेज दिया। जब आपका फ़ोन आया था उसके तीन दिन चार दिन पहले हम यहाँ से भेज दिए थे, खुद अपने संज्ञान में लेते हुए कोई नहीं आया था, तभी हमने भेज दिया था यहाँ से कि सर इस तरह से समस्या उत्पन्न होगी। फिर ये जो है जब आपसे बात हुई कि अगले दिन से ये मैसेज आए कि नहीं आपसे समस्या आ रही है, इसको आप क्या करिए ऑनलाइन डाल करके इसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक। उस पर हम लोग लगा दिए सभी आदमियों को, मैं किसी को ये नहीं बोला कि हम आप मैं किसी को नहीं मैसेज देना, आपको दिया मैसेज कि मैं ये कर रहा हूँ। इनको भी जानता हूँ और आपका इसलिए सम्मान करता हूँ, आप एक अच्छे अधिकारी है और आपके रहते हुए ये जो गुंडे मवाली और ये गलत घटनाएं घट रही है, जो लूट चोरियां ज्वेलर्स में चोरियां दिन दहाड़े शटर में चोरियां, ये घटनाएं बढ़ रही है इस शहर में, और ये शराबी नशेली गंजेड़ी ये पूरी महिलाओं के सरयाम डाली पोत दे, इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती है। यह हमारे लिए बहुत ही बहुत निंदनीय है और ग्लानी वाली चीज। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा जो अपनी पुरानी कार चली है उस पर आइए और अंकुश लगाइए। आपका डर इन गुंडे मवाली और चोरी डकैती नशेली और ये जो बेलगाम हो चुका है ये शहर, इस पे अंकुश लगाइए। मैं आपको हकीकत से ईमानदारी और तय दिल से सार्वजनिक रूप से आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपकी छवि थी वो छवि आपकी मंदी पड़ रही है, नहीं उसको आप तत्काल गिरफ्तार करो, आप पे क्षमता है कि आप वो पता लगा सकते हो। मेरी आज एसपी मैडम से बात है, मुझसे पूछ रही थी, मैंने बोला सुनील लाठा इतना सक्षम व्यक्ति है, वो मुलता ही शहर को जानता है, जिले को जानता है, कि वो एक मिनट में पता लगा लेंगे और सही समझ नहीं तो ये महिला मंडल इस शहर की जो धार्मिक भावना से ओतप्रोत है, जो खाटू श्याम जी का एक भक्त मंडल है, पूरी महिलाएं जुड़ी है जो भक्ति भाव में लीन रहती है, उनके मुंह पे काली पोतना, आप सबके पूरे शहर के मुंह पे काली पोतना है, आपके भी मुंह पे काली पोतना है। हम महिलाओं का सम्मान है सुरक्षा नहीं कर पाए तो उससे बड़ा लानत है हम लोगों के ऊपर। तो यह आप अपना जरा क्षमता दिखाइए और उसको ट्रेस करिए और तत्काल उसको सजा दिलवाइए, नहीं तो आए दिन फिर वो कानून हाथ में लेंगे तो फिर आप उनके खिलाफ FIR मत करना, मैं सरेआम बोल रहा हूँ, फिर आप उनको मत करना जो आज गलत कर रहे हैं उनको आप अंदर नहीं डाल रहे हैं, और जो अगर फिर सारी महिलाएं कानून हाथ में लेगी और कुछ करेगी तो फिर उसके लिए जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन रहेगा यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार कर बस यही आपसे उम्मीद थी कि महिलाओं के सम्मान की बात है और केवल एक महिला की बात नहीं है, पूरे जिले और पूरे प्रदेश की बात है। ऐसे में बेलगाम हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं।